हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहल और आज का ये वीडियो है अमेरिका में लोग कपड़े कैसे धोते हैं और यहाँ पे क्या सिस्टम होती है कपड़े धोने की। तो जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे घर पे कुछ लॉन्ड्री है नहीं, लॉन्ड्री सिस्टम है ही नहीं, तो इन्होंने हमारे अपार्टमेंट के लिए कॉमन लॉन्ड्री रूम दिया है जहाँ पर मैं अब खड़ी हूँ। ये देखिए, तो ये है कॉमन लॉन्ड्री रूम और ये है इसका दरवाज़ा जहाँ अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि लोग यहाँ पे कपड़े किस प्रकार धोते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड और मैं आपको वहाँ की टूर देती हूँ और कपड़े कैसे धोते हैं वो दिखाती हूँ। एंड आई एम रेडी विथ माई डिटर्जेंट, सो लेट्स गो। ओके, तो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको सजाया भी है। पूरा फील आ रहा है कि मैं लॉन्ड्री रूम में आ गई हूँ। और ये है वॉशिंग मशीन्स, ये 6 वॉशिंग मशीन्स है और ये और एक एक्स्ट्रा। और ये जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है वो है ड्रायर, तो कपड़े इसमें धुलते हैं और फिर हम इसको इसके ड्रायर के अंदर सुखाते हैं। तो ये है वॉशिंग मशीन यहाँ की और ये काफ़ी बड़ी वॉशिंग मशीन है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग भी दिया है और प्राइस भी दिया है, यानी कि यहाँ पे $1.50 लगता है, $1.50। तो हमको यहाँ पे साइकिल सिलेक्ट करना होता है, पावर वॉश, नॉर्मल या फिर डेलिकेट्स अगर आपके क्लोथ्स है तो। और फिर यहाँ से स्टार्ट का बटन है, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा रेंज चाहिए तो वो, सॉइल लेवल भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और ये है क्वार्टर सेक्शन, मतलब आपको यहाँ पे क्वार्टर्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है चारा ना, वैसे यहाँ पे 25 सेंट्स होते हैं। तो ये है जो बैंक ऑफ अमेरिका या कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं क्वार्टर्स, ये $10 के क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स कॉइन है। इसको इसके अंदर डालना होता है और फिर ये ऑटोमेटिक प्राइस कम होती जाती है। और अगर आपने क्वार्टर्स के अलावा कोई और कॉइन डाला तो यहाँ से ये रिटर्न भी आ जाता है। तो अभी मैं मशीन लगाने वाली हूँ, ये इतनी बड़ी मशीन है, तो पहले हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे। तो मुझे जितना डिटर्जेंट चाहिए उतना हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लीच डालते हैं, अगर उनके कपड़ों को ब्लीच लगता है तो लोग यहाँ पे ब्लीच भी डालते हैं, लेकिन हम कपड़ों में अभी ब्लीच नहीं डाल रहे। तो फिर हमने डिटर्जेंट डाल दिया है और अभी इसमें डायरेक्ट हम कपड़े डालेंगे। तो ये इसके इंस्ट्रक्शंस है, पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड डिटर्जेंट, जो कि हमने पहले डिटर्जेंट ऐड कर दिया। फिर उसके बाद है ऐड क्लोथ्स, तो हमने अपने कपड़े भी डाल दिए। फिर है ब्लीच, अगर आप ब्लीच यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए तो आप ब्लीच भी यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके लिए अलग से दिया हुआ है। और फिर उसके बाद है क्लोज योर लिड, तो ये जो लिड है इसको क्लोज करेंगे और फिर कंप्लीट द प्रोसेस, यानी कि हमको जो साइकिल चाहिए वो हम लगाएंगे और फिर स्टार्ट का बटन दबा देंगे। तो अब मैंने इसमें कपड़े लोड किए हैं पूरी तरह से और अब हम इसे क्लोज करेंगे। और अब यहाँ पे प्रोसेस करना है तो मैं लूँगी नॉर्मल वॉश। ये देखो, अभी ये नॉर्मल आ चुका है और मुझे वार्म और हैवी चाहिए। टेम्परेचर यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, हॉट, हैवी, कोल्ड, तो मैंने वार्म लिया है, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी, और एक्स्ट्रा रेंज लगाया है। तो अभी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है प्राइस 1.50, यानी कि $1.50, और ये मशीन चलेगी 43 मिनट्स तक। तो पहले ये देखो, ये कॉइन है जो मैंने आपको दिखाए थे, इसके अंदर ये ऐसे क्वार्टर्स के कॉइन होते हैं। तो अब ये कॉइन मैं इसमें डालूंगी, ये देखो, वैसे वैसे यहाँ की प्राइस भी कम होती जाएगी, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। ये देखो 1.25, यानी कि 25 सेंट्स कम हो गए। अभी मैं इसमें और एक क्वार्टर डाल दूँगी,
तो ये देखो और 25 सेंट्स कम हो गए। इस तरह से मैं इसमें क्वार्टर्स डालते जाऊंगी और वहाँ पे प्राइस कम होती जाएगी। यानी कि ये एक मशीन धोने के लिए, सिर्फ कपड़े धोने के लिए $1.50 की ज़रूरत होती है। तो अब मैंने ये क्वार्टर्स डाल दिए हैं और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये आवाज़ सुनिए, ये इसके अंदर की आवाज़ है। अभी ये पानी स्टार्ट आना शुरू हो गया और इसके अंदर अच्छे से कपड़े धुलेंगे। ओके, तो अब मैंने ये मशीन लगा दी है और अब इसमें 40 मिनट्स के बाद ये कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, लेकिन ये सूख नहीं जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कपड़े सूखते कैसे हैं। तो हम फिर मिलेंगे 40 मिनट्स के बाद। हाय फ्रेंड्स, तो अब 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी ये 0 मिनट्स दिख रहा है, पहले ये 43 मिनट्स दिख रहा था। यानी कि अब मेरी ये मशीन पूरी हो चुकी है और अब मुझे ये सारे कपड़े डालने हैं ड्रायर्स में। अब ये ऑलरेडी दो ड्रायर लग गए हैं, यहाँ पे चालू है, तो मैं अभी इसको लास्ट वाले ड्रायर में डालूँगी। और क्योंकि ये बीच वाला बंद है तो अभी मैं इसको लास्ट वाले ड्रायर में डालूँगी। तो अब मैं दिखाऊँगी यहाँ पे कपड़े ड्राई कैसे होते हैं। तो अब हम ये कपड़े सीधा इस ड्रायर में डालेंगे। ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा ड्रायर होता है, यहाँ पे बस आपको कपड़े डालने होते हैं। ये अंदर से बहुत बड़ा है। अब मैंने इसमें मेरे ये कपड़े डाला है, तो इसके अंदर का जो ये मटेरियल है ये मेटल का है और ये नेट है, मेटल का नेट। इसके अंदर गर्म स्टीम आती है और ये कपड़े पूरी तरह से सूख के आते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद ये कपड़े कैसे दिखते हैं। ओके, तो अब सारे कपड़े इसमें लोड हो चुके हैं पूरी तरह से और अब हम इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पे ये कॉइन का है जिसमें हमें 25 सेंट्स डालने होते हैं फिर से, और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और पंप प्रेस करके ऑप्शंस है। तो अभी इसको करीबन अच्छे से ये गर्म होने के लिए और सूखने के लिए 30 मिनट्स तक मुझे लगाना है। तो अभी ये देखिए, ये कॉइन इसमें से फंस गया। तो ये देखिए, अभी ये बाहर आ गया। क्योंकि ये 25 सेंट्स नहीं है इसलिए ये इसके अंदर फंस गया था। तो अब हम इसके अंदर क्वार्टर डॉलर डालेंगे। ये देखो, ये है 25 सेंट्स और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पे आया पुश, तो मैंने हाई टेम्परेचर पे लगा दिया। तो मतलब 25 सेंट्स मतलब कि 6 मिनट्स। तो ये स्टार्ट हो गई है मशीन और अब मैं और 25 सेंट्स इसमें डाल रही हूँ, तो और 12 मिनट्स। ऐसा हम इसे 30 मिनट्स तक डालेंगे। 18, 24 और ये 30। तो अब हम 30 मिनट्स के बाद देखेंगे ये कपड़े कैसे सूखते हैं। तो अभी हमारी ये मशीन डन हो चुकी है और ये कपड़े पूरे तरह से सूख गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कपड़े अभी कितने सूखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी ये पूरी तरीके से अच्छे से सूख गए, पूरे गर्म कपड़े हैं, वार्म हो चुके हैं। अब मैं इसे सीधा घड़ी करके इसको कबर्ड के अंदर रख दूँगी। यहाँ पे कपड़े सुखाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्नो ही गिरती है, तो इसके वजह से लोग बाहर कपड़े सुखाते नहीं हैं। और ये बड़ी बड़ी ड्रायर रहती है इसलिए लोग यहाँ पर ऐसे ही कपड़े सुखाते हैं और अंदर रख देते हैं। एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। तो ये तो है हमारे अपार्टमेंट की लॉन्ड्री रूम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बाहर की लॉन्ड्री रूम कैसे होती है। तो लेट्स गो देयर। तो ये है बाहर की लॉन्ड्री रूम। हम यहाँ पे अक्सर तब आते हैं जब हमारे लॉन्ड्री रूम में कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है, तो हम यहाँ पे बाहर आके लॉन्ड्री कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हाई है और थोड़ा ये कॉस्टली भी है अपार्टमेंट लॉन्ड्री से। ये देखिए, ये कितना बड़ा है। और ये है हमारा वॉशर। यहाँ पे आप ज़्यादा कपड़े डाल सकते हैं एक वॉशिंग मशीन के अंदर, ये इसका बेनिफिट है। और ये ट्रॉली है, इसके अंदर आप वॉश किए हुए कपड़े ड्रायर के पास लेके जाके ड्रायर के अंदर डाल सकते हैं। ये जो है, ये पूरा ड्रायर एरिया है वो था वॉशिंग एरिया।
यहाँ पे भी थोड़े वॉशिंग मशीन्स हैं, इसमें भी सेम फीचर्स हैं। ये देखिए ये कितने ज़्यादा ड्रायर्स हैं, इसमें भी सेम ऑप्शंस होते हैं। अभी ये जो है ये ड्रायर्स है और ये एक है वॉशिंग मशीन, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें भी ऑप्शन सेम होते हैं, यहाँ से कॉइन डालना होता है और इसमें ये सेम दिया हुआ है पम्प प्रेस कोल्ड हॉट वॉर्म, जो भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट करके फिर ये वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। सेम ही प्रोसेस होती है, साइकिल सिलेक्ट करके कॉइन डालना होता है और ड्रायर में कॉइन डाल के साइकिल सिलेक्ट करना होता है। लॉन्ड्री रूम का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं आप। और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन बाय बाय।